नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फूड टेक टॉक्स के एक नए एपिसोड में। मैं आपका होस्ट कम दोस्त रहा अखिल चौधरी। तो गाइज, आज मैं आपके लिए एक नए अपडेट लेके आया हूँ फूड इंडस्ट्री को लेके और फूड दुनिया को लेके। चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो गाइस, पहला अपडेट आता है हमारा मदर डेयरी की तरफ से। तो मदर डेयरी ने एक नया मिल्क शेक निकाला है जिसका नाम रखा है उन्होंने बटर स्कॉच फ्लेवर्ड हल्दी मिल्क, जिसका प्राइस रखा है उन्होंने 25 रुपए। और 25 रुपए में उनका श्योरिटी दे रहे हैं कि जैसे एक मिल्क और हल्दी का घोल आप घर में पीते थे, वैसा ही आप मिल्क शेक पी सकते हैं, और ये वाला भी विद द बटर स्कॉच फ्लेवर। और उनका दावा है कि ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और COVID-19 से बचा के रहेगा। अगला अपडेट आता है हमारा एडिबल स्किन को लेके। तो एडिबल स्किन का एक ऐसा स्किन है जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे लगाई जाती है ताकि उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर सके। तो नाभी के साइंटिस्ट, नाभी है इस नेशनल एग्रीकल्चर फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के साइंटिस्टों ने रिसर्च करके जो वीट के वेस्ट मटेरियल जिसका नाम है हमारा एडिबल स्ट्रो, वीट का स्ट्रो का इस्तेमाल करके हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर लेयर लगा सकते हैं ताकि उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। उनका मानना है कि 30 दिनों तक हम अपने एप्पल्स की शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर सकते हैं, 6 से 8 दिन तक हम पीचेस की शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर सकते हैं, और बनाना की 8 से 9 दिनों तक इसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि गाइस देखो, डिमांड होती है, सप्लाई भी पूरी पूरी होती है इंडिया में, लेकिन सप्लाई के दौरान हमारा फ्रूट्स और वेजिटेबल बहुत ज्यादा डैमेज होता है। अबाउट 20% ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यू टू आने जाने और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। तो इस चीज को बचाने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा और हमारी डिमांड और सप्लाई को दोनों को मीट करता रहेगा। गाइस, अगला अपडेट आता है हमारा सफल की तरफ से। सफल जो कि एक ब्रांड है मदर डेयरी का, उन्होंने जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के रिलेटेड है। मदर डेयरी नॉर्मली आपने सुना होगा मिल्क और वेजिटेबल, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के रिलेटेड होता है, लेकिन उन्होंने एक सब ब्रांड बनाया जिसका नाम उन्होंने सफल रखा हुआ। तो सफल ने वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के दिन जो कि 5 जून को होता था, तो उन्होंने 1000 तुलसी के प्लांट डिफरेंट मार्केटर्स जो कि शॉपमैन होते हैं उन्हें दिए हैं सिलेक्टिव शॉपमैन को, ताकि एक संदेशा दिया है कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं और कैसे हम आयुर्वेदिक को अपना के अपनी इम्यूनिटी को बचा के जा सकते हैं और COVID-19 से बच सकते हैं। डेटा था हमारा गाइस फोरमैनो फूड की तरफ से। फोरमैनो फूड गाइस लेटेस्ट दुनिया की एक लेटेस्ट कंपनी है फूड इंडस्ट्री, जिन्होंने अपना एक नया एक नया स्थान बना रखा है फूड इंडस्ट्री में ड्यू टू उनकी की टेक्नोलॉजी की वजह से। गाइस, ये ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जो कि आजकल की लेटेस्ट ट्रेंड फॉलो करती है, जिसकी वजह से इनकी सैनिटाइजेशन और इनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज है एज कम्पेयर टू ओल्डर आप देख सकते हैं ओल्डर मार्केट में, जो उनका जैसे कि नेस्ले होगी, कोका कोला होगी, और कह सकते हैं MDH UMDH मसाले हो गए, इनके बराबर इनकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तो गाइस, अगला अपडेट आता है हमारा नेस्ले इंडिया की तरफ से। तो नेस्ले इंडिया ने गाइस वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के दिन एक पोएट्री लॉन्च करी है, या हिलदारी नामक एक वीडियो चैनल है, यहाँ पे आपको अगर इसकी वीडियो देखनी होगी एक पोएट्री की बहुत ही बेहतरीन वीडियो अगर आपको देखनी होगी, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। तो गाइस, अगला अपडेट आता हमारा एफसीआई की तरफ से। एफसीआई का दावा है कि उन्होंने अब तक लॉकडाउन के चलते चलते उन्होंने करीब 111 लाख मैट्रिक टन फूड ग्रेन को अपने इंडिया में, यानी कि इंडिया में वो बेच चुके हैं। कम से कम उसमें राइस को मिला के, पल्सेस को मिला के, वीट ग्रेन को मिला के इतने लाख टन उन्होंने प्रोवाइड कर दिए इन द स्कीम्स ऑफ, जैसे कि लेबर्स को दे रहे हैं कुछ, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना है गाइस, एक वन नेशन वन राशन कार्ड है, इसके प्रति जितने भी फूड ग्रेन है वो सारे सप्लाई करते जा रहे हैं। और उनका अभी तक उनका लेटेस्ट दावा है तो उनके पास करीब 1000 लाख मैट्रिक टन फूड ग्रेन पड़ा हुआ है, जिसके अंदर हम पल्सेस और ग्रेन फूड अपना वीट ग्रेन राइस सबको मिला के हम कह सकते हैं 1000 मैट्रिक टन अनाज अभी उनके पास पड़ा हुआ है। एफसीआई ने ये अपडेट दिया है। तो गाइस, अगला अपडेट आता है हमारा कैशियो इंडस्ट्री को लेके। गाइस, कैशियो मतलब कि आप कह सकते हैं काजू इंडस्ट्री को लेके, काजू इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा हिट हो चुकी है ड्यूरिंग लॉकडाउन को देखते हुए। तो लॉकडाउन में गाइस क्या हुआ, जो कैशियो का जो इंपोर्ट होता है जो कि मेनली हम बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं इंडिया में,
क्योंकि इंडिया बहुत ही बड़ा हब है कैशियो का, क्योंकि इसके बहुत ही ज्यादा चाहने वाले हैं इधर इंडिया में। तो इंडिया इंपोर्ट करवाता था कैशियो कहाँ से, अफ्रीका से करवाता था, वियतनाम से करवाता था। लॉकडाउन COVID-19 पेंडेमिक के दौरान ये सारी उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन थी वो सारी बंद हो चुकी थी, और कैशियो का प्राइस इस वक्त सबसे लोएस्ट पे है। अगर गाइस किसी को खरीदने हैं कैशियो, वैसे तो मिलेंगे नहीं, अगर मिल गए तो बहुत ही सस्ते प्राइस में मिलेंगे। तो गाइस बस यही थे आज के अपडेट। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करते जाना, शेयर करते हुए जाना, और सब्सक्राइब बटन को दबाते हुए और बेल आइकन को भी दबाते हुए जाना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।